शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा घर, मुझे नाकाम तो होने दो। ये तो बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, ज़रा नाम तो होने दो। वैसे आप सबको मेरा नाम तो पता ही है, आई एम हबीब मिठीपुर वाला, होस्ट फॉर द डे। और आज यहाँ पे मुंबई के सबर्बन में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, क्राउनिंग होने वाला है। किसका क्राउनिंग होने वाला है ये मैं थोड़ा सस्पेंस रखना चाहता हूँ, बट इसके बारे में जो पूरा मैनेजमेंट और जो ये चीज़ के लिए ओके। सो दोस्तों, आज मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ एक क्राउनिंग के बारे में। मुंबई के सबर्ब में आज क्राउनिंग होना है, बट किसका क्राउनिंग होना है, किसके हाथ से होना है, ये थोड़ा सस्पेंस है। और ये सस्पेंस के लिए थोड़ा आप प्रेस वालों को मैं गुजारिश करता हूँ, मेरा साथ दीजिए, थोड़ा हाइप कीजिए। और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे होल एंड सोल, कर्ता धाता इस इवेंट के, तुषार जी, प्लीज़ आपका मैं चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। अरुण अंकल का है मेरे जी अंकल। हाँ जी तुषार जी। हाँ जी, आज आप किसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किनकी क्राउनिंग, उनके बारे में कुछ बताइए आप। ओके, तो आज हम लोग जैसे हर साल की तरह हमारे इंडिया से जो हमारे कंटेस्टेंट्स रहे हैं, हमारे पैजेंट की जो लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो उसी तरीके से आज हम लोग जो इंटरनेशनल क्राउनिंग करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं मिसेस अर्थ 2024 के लिए, जो शो होने वाला है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में। और आज की जो हमारी जिनकी क्राउनिंग हो रही है वो बेसिकली उनका नाम है विदु इशिका और वो है जोहानसबर्ग से, बट वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिसेस अर्थ में एज मिसेस भारत 2024। तो मैं विदु जी को बुलाना चाहूँगा दो सेकंड के लिए। यस विदु जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। नमस्कार भारत, मेरा नाम विदु इशिका है और मैं इस साल भारत का रिप्रेजेंटेशन करूंगी मिसेस अर्थ के पेजेंट पे, जो कि होने वाला है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो इन नवंबर। मैं बेसिकली हूँ जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका से, बट मेरे रूट्स हैं पटना बिहार से। मैं बिल्कुल देसी हूँ और मैंने अपना सारा बचपन पटना में बिताया है, उसके बाद मैं बहुत साल दिल्ली में रही और अभी कुछ सालों से मैं बाहर हूँ। बट ये बहुत एक मेरे लिए सुनहरा मौका है, मैं ऐसा कहूँगी, जहाँ पे मुझे भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। वी ऑल प्राउड ऑफ यू विदु। विदु जी, ये जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियाँ की, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है भारत को जो है रिप्रेजेंट करना। इसकी तैयारियाँ सर काफ़ी समय से शुरू हो गई, क्योंकि ये हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम किसी भी फील्ड में या किसी भी तरीके से अपने आप को कम नहीं दिखाना चाहते हैं। सो फ्रॉम डाइट टू क्लॉदिंग टू ग्रूमिंग टू वेयरिंग टू टॉकिंग, आप हर चीज़ में हमारे पास एक ग्रूमर है जो हमें तैयार कर रहा है इस इंटरनेशनल पेजेंट के लिए, तो हम किसी भी तरीके से अपने आप को कम नहीं रहने देंगे। ग्रूमिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ग्लैमर दिखने के लिए बहुत चीज़ होती है, थोड़ा बताना चाहेंगे कौन सपोर्ट कर रहा है, किस तरह क्या कुछ होता है। सर ग्रूमिंग के लिए अभी हमारे पास इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों से एक एक ग्रूमर हैं जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्रूमिंग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको पता होता है आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है, कौन सी बात कहनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सिखाया जा रहा है कि हाँ कैसे अपने आप को एक इंटरनेशनल स्टेज पर आप प्रेजेंट करें ताकि आप भारत का नाम ऊंचा कर सकें। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आप जैसे आपने बताया आप देसी भी हैं, तो घर का कितना कुछ सपोर्ट है? सर घर का 100% से ज़्यादा मैं कहूँगी 1000% सपोर्ट है मुझे। एवरीबडी फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम माई मदर, फादर, इवन माई 5-year-old सन, टू माई हस्बैंड, टू माई इन लॉज, मेरी फैमिली, दूर की फैमिली, और उसके बाद मेरे पड़ोसी, एवरीबडी सपोर्टिंग मी फुल हार्टेड। सर इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि भारत बदल रहा है सर जी, वुमेन एम्पावरमेंट आज की डेट में बहुत अच्छे से काम कर रही है, नारी सशक्त, आई एम सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी सी, सशक्तिकरण करें। हाँ जी, आप कुछ बताना चाहेंगे किस तरह से आपका सपोर्ट रहेगा? सर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो नेशनल डायरेक्टर हैं सर हम इस पैजेंट के, इंडिया से ऑफिशियली जो भी जाता है हर साल वो हमारे थ्रू जाता है, इस साल हमारी विदुषिका जी जा रही हैं। और सपोर्ट की बात तो ऐसी है कि इनको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बताइए कि इनको किसी तरीके की ग्रूमिंग या
किसी तरीके की इनको एटिकेट्स या किसी तरीके की आई मीन ट्रेनिंग या कुछ भी की जरूरत है? सर, आपसे ये जानना चाहता हूं, कुछ क्राइटेरिया होता है क्या? क्राइटेरिया है जो आप चेक करते हैं? सर, क्राइटेरिया होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एज क्राइटेरियाज होते हैं, थोड़े बहुत इसमें हाइट और वेट के क्राइटेरियाज होते हैं, बट मैरिड वुमेन के लिए इतने ज़्यादा इनके अंदर पैरामीटर्स या क्राइटेरियाज नहीं होते हैं। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा मैम का, मैं सर मुझे लगता है हर लड़की की पहली रोल मॉडल उसकी माँ होती है। Very nice. तो मेरी रोल मॉडल Very nice. मेरी माँ है। जिस तरीके से मेरी माँ ने हर चीज़ संभाली है, अपने घर को, अपनी अपने परिवार को, मुझे इस लायक बनाया कि मैं भारत का नेतृत्व कर सकूँ या भारत को रिप्रेजेंट कर सकूँ, तो माँ के आगे तो कोई। सर, यहाँ पे मैं अब हमारे एक गेस्ट को इन्वाइट करना चाहूँगा, और मेरे हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर आर डी लाल। ही इज़ अ फैशन आइकन ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ IIFT इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। सर प्लीज। वेरी गुड गुड इवनिंग टू आमची मुंबई, एंड यहाँ पे हम लोग आज क्राउनिंग सेरेमनी के लिए हैं विदु इशिका की, एंड जो रिप्रेजेंट कर रही हैं मिसिज अर्थ भारत इन ट्रिनिडाड एंड टोबैको। और जहाँ तक कि एक क्वेश्चन आया था ग्रूमिंग का, यस, ही इज द राइट मैन, यस, सो वी हैव डन द ग्रूमिंग अबाउट द फैशन स्टाइलिंग एंड ऑल्सो द इमेज बिल्डिंग एंड हाउ टू कैरी ऑन द कॉस्ट्यूम्स इन द इंटरनेशनल थिंग। एज फार एज हम लोग हैं, हम लोगों ने यहाँ पे जो आपकी तीन पुरानी आपकी जो मिस इंडिया रही हैं, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय एंड प्रियंका चोपड़ा, उसको हम लोगों ने मॉडलिंग कैरियर से ग्रूम करना शुरू करा था, जो कि अब आज इंटरनेशनल और नेशनल हीरोइंस भी बन चुकी हैं। और इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी जो भी हैं शोज़ वगैरह भी इंटरनेशनल करे हैं, न्यूयॉर्क फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, लंदन एंड न्यूयॉर्क में। अब ये ट्रिनिडाड एंड टोबैको विधु इशिका जा रही हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा म्यूज़िक में भी काम करा है, प्लस इंडिया का जो भारत का जो नाम रोशन करने जा रही हैं, तो उसके लिए आप सबकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। और ये आने वाले टाइम पे वेदर जब भी साउथ अफ्रीका जाएंगी और भारत आएंगी, और सबसे ज़्यादा एक हमारा और भी कनेक्शन है, ये पटना से भी हैं और प्लस ये थोड़ा सा लखनऊ से भी है। आधी लखनऊ से, मेरी शादी लखनऊ में हुई है। हाँ, तो आई एम ऑल्सो फ्रॉम लखनऊ, बट लेटर ऑन हम लंदन में काफ़ी काम करे, उसके बाद पेरिस में हम लोग ने शो करे, और अब दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा डिज़ाइनर्स को हम लोग ने करा है। तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छी ये, जब तुषार ने बात करा कि फैशन के लिए थोड़ा सा आप इनको ट्रेन करिए, तो विधु इशिका इस समय आपके सामने मौजूद हैं, और इनकी आज क्राउनिंग सेरेमनी भी हो रही है मिसेस अर्थ 2024। आडी सर, आपसे एक हम सवाल करना चाहेंगे, आपने कांस फेस्टिवल में भी आपने काफ़ी अभिनेत्री वहाँ हाँ। पे जो हमें इंडिया से रिप्रेजेंट किया उनको भी ट्रेन किया है। हाँ जी, तो हाँ जी। आपको क्या लगता है कि आज विधु इशिका जो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इनके वो किस लेवल तक वहाँ पे इंडिया का नाम रोशन होगा, कैसे क्या होगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ देखिए, एज फार एज पूरा इंटरनेशनल हॉलीवुड कहें या यूरोपियन फिल्म इंडस्ट्री कहें, तो उसमें बॉलीवुड भी कम नहीं है। आज की डेट में बॉलीवुड के दीपिका पादुकोणे के, ऐश्वर्या राय के, प्लस हमारे और कई हीरोइंस के और हीरो के, इस साल आप देखिए कान फिल्म फेस्टिवल में जो बेस्ट फिल्म बनी है वो हम लोग की इंडिया की थी, उसको जो हम लोग का जो अवार्ड, जब बेस्ट अवार्ड जो होता है वो भी यहाँ पे जो इंडिया की लोगों को मिला था, और काफ़ी वहाँ पे भी चर्चा है। और जैसी कि टैलेंटेड हमारी यंग गर्ल्स आ रही हैं, विधु जी, देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव द रॉक द वर्ल्ड। इट इज़ नॉट दैट कि वहाँ पे इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस को ब्रिटिश एक्टर्स, ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स, हॉलीवुड के काफ़ी बड़े बड़े इन्होंने वो काफ़ी वहाँ पे सराहा था। हम लोगों ने फैशन का भी वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन करा था। पिछले 3 साल से कान फिल्म फेस्टिवल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा
फिल्म का जगत का जिसे कहना था समारोह कहा जाता है उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। उसमें काफ़ी बॉलीवुड के भी लोग आते हैं, सिंगर्स आते हैं। हीरा मंडी का वहाँ पे इस बार काफ़ी बड़ा जिक्र हुआ था जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी। वहाँ पे भी एआर रहमान जी का काफ़ी जिक्र हुआ था वहाँ पे, जो वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो आज वो गए हैं, अगले साल विदु जी जाएंगी। Okay, and we are going to give the chance to participate in the Cannes Film Festival and also in the all the international thank fashion you. shows. Thank you very much, sir. Congratulations, Vidhu ji. Thank you. Ishika, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ as a host. Fashion industry में आपने कब शुरुआत की और आपका सफ़र आज तक का, उसके बारे में कुछ कहिए। मैं भी जानना चाहता हूँ उत्सुकता से, और हमारे भाई लोग भी जानना चाहते हैं। फैशन इंडस्ट्री में It started at a very early stage. And as I said, the role model is my mom. तो मेरे को वो opportunity दिलाने वाली भी मेरी मम्मी थी। I started as a TV host for Doordarshan. Wow. Yeah. So back when I was in my college, my mom went for an audition. उनको गाने का बहुत शौक है, तो वो अपने audition के लिए गई। उनका audition तो नहीं हो पाया, but the director at that time needed a host, so she went ahead and recommended me. कि मेरी डॉटर है, काफ़ी अच्छी है। एंड आई वाज वेरी यंग, मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे। एंड आई वेंट फॉर एन ऑडिशन, आई गॉट सेलेक्टेड। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। इस समय एक और इनकी जो हिडन टैलेंट है वो भी हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं। शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो, बिसाइड द ब्यूटी एंड अदर थिंग्स ऑब्वियसली शी इज़ ऑल्सो इन द सिंगिंग लाइन्स ऑल्सो। इसमें म्यूजिक में भी काफ़ी इन्होंने नाम कमाने की कोशिश करी। भारत के निवासी हमेशा एक बात भूल जाते हैं कि जो स्त्री होती है वो हमारा देश का प्राइड भी है। और आज जो माहौल चल रहा है आप सब देख रहे हैं, तो एक नारी शक्ति को एक नए तरीके से उभरना चाहिए, तब ये भारत भारत कहलाएगा। और मेरा ये मानना है कि खाली जो एक स्लोगन था मुलगी शिगली प्रगति झाली, बट इससे बहुत कुछ है। एक नारी खाली पढ़ाई नहीं होती है, आज की नारी इंडिया को रिप्रेजेंट भी करती है। आज हिंदुस्तान नारी के सामने देखता है। आज हमारे जितने भी भगवान हैं उसमें हमारे पास जो फीमेल गॉड्स है आज हम उनकी भी पूजा करते हैं, बट हम कहीं ना कहीं नारी को भूल जाते हैं। जो हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, हम कहीं ना कहीं उनको भूल जाते हैं। बट आज का एक और ओकेजन है, हमारे जो तुषार जी हैं ये कभी नहीं भूलते कि नारी इज़ इंडियाज प्राइड। और एक तुषार जी की नई खोज है जिनका नाम है डॉक्टर जूही। शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ डेंटिस्ट, और वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। इसके लिए मैं खुद बुलाना चाहूँगा तुषार जी को, जो नारी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और उनका एक मोटिव है कि नहीं, इंडिया की हर नारी इंडिया को रिप्रेजेंट करे विदेश में और इंडिया का नाम रोशन करे। सो मैं तुषार जी को बुलाना चाहूँगा। हेलो सर, थैंक यू सो मच। यस, आपसे मिलके फिर से बहुत अच्छा लगा। यस, सो मैं आपसे ये प्रेस को देता हूँ, आपकी ये जो नई खोज है डॉक्टर जूही, yes. और जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है, हाँ जी। तो इसके बारे में आप कुछ कहिए। डॉक्टर जूही, कैन आई वेलकम यू? डॉक्टर जूही, मैं ओके, थैंक यू सर। ओके, क्यों सर? हाँ ठीक है। तो हाय, गुड इवनिंग। सो बेसिकली आज हमारा इंटरनेशनल क्राउनिंग डे है, तो जिसमें हम डॉक्टर जूही वर्मा, जो लास्ट टू लास्ट ईयर यानी 2022 में हमारी मिसेस इंडिया यूनिवर्स बने थे, उसके बाद उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उसमें दो कॉन्टिनेंट उन्होंने रिप्रेजेंट किए थे, यूरो एशिया, जिसमें हमारा यूरोप भी आ गया और हमारा एशिया भी, और पैजेंट का नाम था वुमन ऑफ द यूनिवर्स। और इस साल वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल पैजेंट में। हमारे उस शो का नाम है मिसेस अर्थ। तो बाकी मैं टाइम आप लोगों का ज़्यादा ना लेते हुए डॉक्टर जूही वर्मा को बुला के उनकी क्राउनिंग की प्रोग्रेस आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जूही वर्मा, यस। डॉक्टर जूही, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्कार आप सबको, मैं डॉक्टर जूही वर्मा, मिसेस इंडिया यूनिवर्स 21 एंड मिसेस यूरो एशिया यूनिवर्सल हार्ट वुमन ऑफ द यूनिवर्स 22। और अब मैं मिसेस इंडिया के अहदे से मिसेस अर्थ में जा रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जर्नी मिसेस अर्थ तक की बहुत अच्छी हो। डॉक्टर जी, ये
जानना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर हैं, क्या कुछ कारण है मॉडलिंग करियर चुनने के लिए? फेम चाहिए था, पैसा चाहिए था, या इंडिया को रिप्रेजेंट करना, या इंडिया को? नहीं, फेम ऑब्वियसली अगर हम इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो फेम सबको चाहिए होता है, तो फेम ऑब्वियसली मुझे भी चाहिए था। पैसे के बारे में मैंने ऐसा इतना सोचा नहीं अभी तक। और मिसेस इंडिया के रुतबे से मेरे को मिसेस अर्थ में जाना है, और वो बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो बीइंग अ डॉक्टर, मैं आज भी डेंटिस्ट एज अ प्रोफेशन अपना आगे बढ़ा रही हूँ। तो उसके साथ साथ मैंने अपनी लाइफ में और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स ली हैं। मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट सेक्रेटरी हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, एंड और भी आगे मैं सोच रही हूँ कि बहुत आगे बढ़ूँ और अपनी फील्ड के अलावा बाकी फील्ड्स में भी उतनी ही प्रोग्रेस करूँ जितनी मुझे एक्चुअली में करनी चाहिए जैसा लगता है। वेरी नाइस। हमारे बीच एक और गेस्ट हैं, मिस्टर राकेश सबरवाल, हमारे वेल नोन पर्सनालिटी इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। सर, आप कुछ दो शब्द मीडिया के लिए। मीडिया के लिए बोले कि जूही जी के लिए? सर चलिए, जूही जी को मेरे ख्याल से मैं 2019 में हमने मॉरिशस में किया था, yes. जहाँ की ये विनर है और बहुत मेहनत करके। सर नहीं, 2019 में नहीं, ये गोवा में 2022 में विनर है। अच्छा, 2022, सॉरी, हाँ जी, मेरी गलती हो गई। और वहाँ की विनर थी, और उसके बाद 24 में आज अगेन इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और इंटरनेशनल क्या टाइटल है, टाइटल तो बताओ, मिसेज इंडिया का अर्थ, एंड शी हैज़ डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव इट, एंड ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। Let's go for the crowning. All right. Yes. With a hilarious move. हमारे तुषार धालीवाल जी, मैं कम से कम 9-10 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। Thank you. मिसेस यूनिवर्स कर रहे हो। सर, अगले साल खुशखबरी आ जाएगी। तीन आदमी आज तक तंग कुमार घूम रहे हैं, क्यों? 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 मिसेस यूनिवर्स तो बहुत करते रहते हैं। एक सलमान खान और एक आरजी राहुल गांधी और एक ही। वेरी गुड। कब तक कुमारे रहेंगे भाई, इनका तक भी कुछ कल्याण करवाइए। डॉक्टर जूही वर्मा जो हैं अर्थ के लिए कंपटीशन के लिए जा रही हैं, उसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये जीत कर आए, यही शुभकामनाएं चाहता हूं मैं। और क्या कुछ बोलना चाहिए? मुझे तो बस इनकी क्यूटनेस पे पहले बोलना है कि ये इतने प्यारे हैं। बट कमिंग बैक टू जूही, ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है इतने बड़े मुकाम पर पहुंचना, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचना। जब आप जा रही हैं, इंटरनेशनल क्राउनिंग सेरेमनी हो रही है आज, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जस्ट रॉकेट। एंड सबसे बड़ी चीज़, जस्ट कीप स्माइलिंग, बिकॉज आई थिंक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस वही होता है जब आप स्माइल करते रहें किसी भी सिचुएशन में। सो या, थैंक यू।